तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं वोट देने के लिए आई हूँ और बहुत सारे लोग आए हुए हैं अगल बगल। अब चलते हैं, इधर से जाना है हम लोगों को, तो आइए मेरे साथ। अभी लोग लीजिए, कौन सा चैनल आएगा बता दीजिए। अनीता जी का किचन, ये यूट्यूब चैनल पर आता है। अच्छा अच्छा, कौन सा? आप भी वोट देने आए हैं? जी, वोट दे दिए। वोट दे चुके आप? अभी दे चुके अभी दिए हम लोग वोट। बहुत अच्छी बात है। तो ये यूट्यूब चैनल है हमारा, अनीता जी का किचन। अच्छा, आज हम लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ जी, जरूर। और देखिए दोस्तों, वोट दे दिए हैं बहुत से लोग और मैं भी जा रही हूँ देने, तो आइए हमारे साथ, देखिए कैसे होता है वोट। मैं थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा उतना दिखाऊंगी। दे दिए हैं वोट, अब चलते हैं, देखते हैं। दिखाई दी रोगा नहीं आई, सब एक साथ आ जाओ ना, आगे आ जाओ। देखिए वोट दे दिए हम लोग, जंग जीत लिए है। तो बस ये रोड बनने की तैयारी है। पकड़ा है। हम रोड से बहुत दुखी हैं अपना। ये देखिए दोस्तों, मैं गांव से बाहर आई गई हूँ तो दिखा देती हूँ। देखिए हमारे गांव का जो रोड है कितना बढ़िया है। अगर एक दिन आप चले गए तो बीमार हो जाइएगा, चार दिन तक बीमार हो जाइएगा, इसलिए मैं आती नहीं हूँ जल्दी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, आज वोट देने आई हूँ, बस यही सोच कर दे रहे हैं कि शायद रोड बन जाए तो सभी को सुविधा होगी। और आप देख ही सकते हैं, तो ये हमारा जो गांव है एकमा पड़ता है, एकमा में। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरा लंबा रास्ता है, देखिए आप देख सकते हैं, मतलब इससे कितना मीटर होगा जी, एकमा जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर है, एकमा है। एकमा के पास ही मेरा घर है, तो वहाँ तक रास्ते बहुत ही ख़राब है। स्टेशन का जो अगल बगल देखिएगा तो बहुत ही बुरा हाल है। तो आप लोग खुद बताइएगा कैसे क्या करवाना चाहिए हम लोगों को, मिलजुल के लोगों को, मतलब कैसे हम लोग रोड ठीक करवाएं, किसको वोट दें। अब जिसको देना है दे दिए हैं। तो हमारा आधार कार्ड रख लिया, हमने बनाए वीडियो। तो देखिए ये वही स्कूल है जिसमें हम लोग वोट दिए हैं, और इससे थोड़ा आगे जाइएगा तो मंदिर है, एक हम लोग भद्र बाबा का मंदिर बोलते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। रोड के बारे में कुछ बोल दी, रोड बने के चाहिए। अपन एक ना बहुत लोग बात, रोड अपन ठीक होकर चाहिए, विधानसभा में अब रोड बनना चाहिए, रोड टूट गया हमारा मापिनी जी को बहुत दिक्कत है यहाँ रोड से, धूरा उड़ा उठता है। धूरा में तो वही के बात है, लेकिन रोडवा ठीक हो तो आ जाए में। एक दो दिन, एक दो दिन के बाद आएंगे, 3-4 तारीख के देखा था, 4-5 के अनीता जी के किचन बढ़िया रहा। देखी ना कितना
ना ना बुझा तो बुझाए कबर वो बोल देनी खाली तो जोड़ लगा किलो तब ना बोली जोड़ कर बहुत मारती लोग बट एक से एक हेले को और पंडित जी लोग बा अलग बात है साहब कोने का अलग अलग बात है आई जो नीचे का बैकवर्ड लोग बा सब जाए एक से का पूरी की डायरेक्ट प्रक्रिया में लोग नहीं जाए से लोग नहीं खाए अच्छा पूरा नहीं ओहु से आले आले तू लोग विधायक हो तुम्हारे केहू भी बनवा तो देखियो सुविधा का तू कमरी खींच लो रोड बना के पास होल बट चलो बता लो कि ना बनी कौन एक एक्सीडेंट चला गया ना बनी कौन बता लो कि ना बनी कौन एक एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया लगी उतार भाई ये तो कहाँ था कहाँ कहाँ से शुरू हो गई रेडी मैं रोड से रोक आपकी रोड से आपको क्या क्या दिक्कतें हैं बहुत परेशान बनी है जैसे कि हम परेशान बने तो रघु लोग परेशान बने दो चार को स्टूडेंट होता है सबको को बता स्कूल बा लइका सके नहीं कॉलेज से बढ़िया से स्टूडेंट हो जाता आदमी गिर जाता है बहुत यहां गर्भवत महिला के दिक्कत होता है हॉस्पिटल आ जाए में भी बहुत लोग के दिक्कत होता है रोड बहुत से जाओ जल्दी बन जा बन जा के चाहिए 15 बरिस हो गई रोड के बन ला 15 बरिस हमारा 25 साल शादी के हो गए हम 25 साल से देखत आ पच्चीस साल देखते हो गए 25 साल हो गया कम से कम अभी तक बन जा 2020 में ये ताशा हम तो तनी की बन जाए तो सही हो जाए कोई के भी सुविधा हो हां सुविधा हो जा बहुत दिन से तू का कर ये रोड चला हो चल जा आप सुने ही दोस्तों बहुत से लोग दुखी हैं इस रोड को लेके मैं ही नहीं तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगर आप भी एक माह में रहते हैं एक माह के अगल बगल रहते हैं तो आप लोगों से अगर आप लोगों का बस का है तो प्लीज़ बनवाइए इस रोड को क्योंकि हमें भी बहुत दिक्कत होती है इससे तो अब चलते हैं घर क्योंकि वोट दे दिए हैं अब चलते हैं घर और आइए मैं आपका अपना गांव और ये जो हमारे बदलू बाबा हैं वो भी दिखा देती हूँ वाले कालो वाले हमारे गांव के पंडित जी हैं बद्दू बाबा अली वाले कहिए रहे ना 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 बोलिए हम आप पर आए हैं चैनल के आई कहा ये हमारे गांव के बद्दू बाबा के पुजेड़ी हैं रोड से रहो लोग का दिक्कत हो ही बद्दू बाबा इनका नाम है अरे भाई रोड हमनी के टूटल बा सुनील भी बनी मुझे रोड लोग का दिक्कत बा हमरो हां आ गए हमारे चाचा हैं बहुत है पहला ही सुनील भैया के हम ना बोले नहीं के लरी है YouTube से आप हमें नहीं नहीं हमारा आइले कौन सा चैनल है अनिता जी का किचन अनिता जी का किचन हां जी रोड ला सपोर्ट करम तो बहुत बढ़िया होई और हमरा का से अपन गांव के बनी लो हमने जैसे हमर कह के बाटे कि 25 साल से हम देखत अनि रोड हैंग बा तो ई बन जाई तो सब आदमी के सुविधा होई सबके फायदा सबके फायदा माने सबके आवश्यकता हां हां वे हम दिखाओ तनी लोग के देखिए हमारे लोग गांव देखे के चाहता हमर हम बने चली दिखाओ तनी रोड लोग के हमर गांव कैसन बा रोड कैसन बा सब कुछ दिखाओ तनी दर्शन भी करवाए दोस्तों आप लोग खुद ही बोलिए इतना लोग है हमारे सामने सब लोग परेशान है रोड से अब बन जाएगा तो आप बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए भी हमारे ये भाई मित्र जो भी है जो भी क्योंकि रिश्ते में हमारे ससुराल है यहाँ पे तो सब कोई कोई देवर लगेगा कोई ससुर लगेगा कोई जेठ लगेगा यही लगेगा तो सब कोई परेशान है बन जाएगा रोड तो बहुत ही अच्छा होगा तो मैं आपको बदलू बाबा का दर्शन करा देती हूँ जो कि हमारे गांव का बहुत ही मन्नत है सभी का और मैं भी बहुत मानती हूँ जब भी आती हूँ इनका पूजा पाठ करती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ आपको आइए दर्शन करा मंदिर है जो बदलू बाबा का नाम से लोग जानते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बंदर भी देखिए प्रसाद चढ़ा हुआ है तो बंदर प्रसाद खा रहे हैं और हमारे घर पे तो रोज बंदर आके खाना खाते ही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देखिए कितने सारे बंदर हैं मधुमती है कर रहे हैं बंदर चलते हैं जा अंदर जाके तो दिखा दो आ जाऊं ये जी
अनिता जी किचन के नाम से बा तो ये बिहारी के साथ से है आई हम और बाकी YouTube चैनल बताना खाना नाम से जब अच्छा सा खाना है रवत हमारे साथ मंदिर में काली में आई आई मिले रहे हैं हां तो देख लो तो वो जी के मंदिर हम देखो ले बनी अपना तो देखिए आरोप है मंदिर में अच्छा तो दोस्तों ये भाई ये पंडित जी हैं पूजा पाठ करते हैं और यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ और जो काली माता के पास दर्शन करवाई थी वहाँ भी थे पंडित जी यही देखभाल करते हैं मंदिर का तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मैं अपने गांव नगर और जो भी नया पुराना रेसिपी आप लोगों के सामने दिखाते रहूंगी तो आइए मैं चलती हूँ घर तो देखे हम लोगों लोग चलते हैं घर दोस्तों देख पूरा लहसुन में सना गए हैं दिखा दे देखो होता ना बिना भी होता नहीं से उजार का कचरा ना का बाकी का और वीडियो लेते नहीं तो लोग पूछा तलब बाबूजी कि केकरा घर के हैं तो हम बता देनी है राउत नाम गांव में कहीं पूछिएगा तो बता दी कि हां ये तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए कम से कम 200 लोग हां हां तमारे रोड से सब कोई परेशान बा बने के बताई खाली तने दीपक के कोलाई से आते एक मास से ढुकवे न गांव में आई गांव के ओरे जल जिले आते है न मैया बढ़िया है न लोहार भर को बड़ा सब फोन कर रहा कहीं भी खाली कह देले जन के राज के पतो आए तो हर जगह चली जाती है बाकी ये थोड़े बिगार दे रहा था बाकी है राग हो जा सब लोग कहां रहे नहीं रहुआ हम कहीं हम गांव रहे नहीं दिल्ली रहे नहीं हां अतन अथी देख लेने अथी देख लेने फिर पूछा तो लगे कहाँ मैंने कौन न छिपे आई फिर बताओ नहीं हाँ कि अनिता जी किचन पर देखे हम लोग आ जाई तो खूब खुश होता नहीं हलो आ सब लोग बोल नहीं हलो रोड के बारे में इलेक्शन के बारे में हाँ कौन ही लग दो दिन में हो जाए आ जाइन भाई हाँ दो दिन में आ जाए ये है मैंने जो बोलने वाली लोग हलो कि एक माह के रोड बने के चाहिए तो हम चाहता नहीं कि बन जाए तो सही रही हाँ माने ढेर लोग इकट्ठा हो गए इससे अब हमारा गोल्डिया के केहू ने खेती न बाकी को जो गोल्डिया हां जब केदार प्रसाद के नातिन हई तो सारा गांव की देखिए दोस्तों बाजी बोल रहे हैं कि कहीं भी गांव में चले जाना मेरा नाम रख लेना सब कोई पहचान जाएगा तुम्हें तो अभी मैं गई थी देखे ही आप कितना लोग इकट्ठा हो गए थे बहुत लोग और थोड़ा सा मेरे को शर्म भी आ रहा था क्योंकि गांव का मामला है लेकिन बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे तो जो मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगी चाहे कोई भी आए लगेले के कौन रहे हां तो हमारे लोग कहत लगे मीडिया आ गेल बा हम कहे मीडिया हटे ही हां ए गड़े कमाए रे हला हो गए आज जे ने कहां कहां से लोग आ गए देखे खाती गली गली में से तब पूछे तो लोग कहाँ से आए हम कहाँ से हमारे यही घर है तो केकरा घर के केकरा घर के बाबूजी के नाम धनी है तो ओ हो वहाँ के घर के वही हो अब बंदर आए रहा सब मंदिर में खूबे बदलू बाबा तब फोटो हो गई बा फोटो हो गई बा बंदरों के हाँ एकदम फाके बा पूरे अंदर ले बाबू जी बनौनी है वीडियो पुलिस उलिस सब जाने वाले पुलिस 10 जाने वाले उन लोग कुछ ना कहतल कहतल लेकिन बोला लो ना कुछ कमरा के जानता हूँ जब
ना बात है नहीं ये पढ़ लिखा लो रहती है कुछ बोल देंगे तो कुछ कह देगी हाँ ये बात रहा कुछ ना दस जना पुलिस रहा लो कुछ ना बोला लो। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर पे और आके हाथ पैर धो के बैठ गए हैं और हम बच्चों से बात कर रहे थे कितना लोग रोड के लिए परेशान है आप लोग खुद देखे ही और मैं ही नहीं परेशान हूँ मेरे जैसे बहुत से लोग परेशान हैं। मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि आपको इतना दिक्कत है जितना लोगों को भी दिक्कत है। तो आप लोगों को क्या लगा हमारा रोड देख के गांव का बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी एक माह से हैं तो मैं यही बोलूँगी कि रोड जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा तो सभी के लिए सुविधा हो जाएगा। जाने में बहुत ही परेशानी होती है हर किसी को। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ाना हम अपने गाँव का दृश्य गांव का रहन सहन कल्चर लेके आते रहूँगी रेसिपी लेके आते रहूँगी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार प्रणाम बार वालों के।